अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि इफ वाई इज इक्वल टू 1 + x / 1 - x, और हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव मीन के dy/dx। आप देख सकते हैं कि ये डिवीजन में है तो क्वेश्चन रूल लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, हमारा जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है, ऑन बोथ साइड। और डेरिवेटिव अप्लाई करना है सो d/dx विद रिस्पेक्ट टू x जो था, और इनटू y लेफ्ट साइड पे, और इसी तरह राइट साइड पर भी d/dx इनटू 1 + x / 1 - x, और यहां पर हमारा लगेगा क्वोशेंट रूल। सो dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर यानी 1 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे न्यूमिरेटर 1 प्लस एक्स का, दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर 1 प्लस एक्स जो न्यूमिरेटर की वैल्यू, और डेरिवेटिव लिया जाएगा डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स का, और होल डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये रूल आपने फॉलो करना है, इस रूल को बोलते हैं क्वोशेंट रूल। और dy/dx इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि 1 माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा, इसको भी आप अलग अलग डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो आपको पता है कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस आपका x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पर आपके पास 1 प्लस एक्स है, और इधर भी आपका डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का 0 और माइनस में, और आगे वेरिएबल x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका वैसे ही रहेगा। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, इसमें ऊपर भी एक स्टेप था और यहाँ भी एक स्टेप आप कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स आ गया और इसके साथ आपका पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस में यहाँ पर आपके पास 1 प्लस एक्स है और इधर भी आपके पास माइनस 1 है जिसने को प्लस बना देना है। सो नीचे आपका 1 माइनस एक्स का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो dy/dx ऊपर आपके पास 1 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ गया, दूसरी वैल्यू में आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइड बाय आपके पास 1 माइनस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाते हैं और ऊपर वैल्यू बनती है 1 प्लस 1 कितने हो जाते हैं 2। तो dy/dx इक्वल टू 2/1 - x का है होल स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। अब टैली कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे हम चैप्टर 2 का, तो 12 का 2/1 - x का होल स्क्वायर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि स्टूडेंट आपको जो ये चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नई वीडियोस जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए से इसी मेथड के जरिए से मिलती हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट कीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन तरतीब किए हुए रैशनलाइज जो है वो आपको मिल जाएंगे, जो पेपर की सेटिंग के अकॉर्डिंग है। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।